मम्मी जी, दादा का रोल जो गाने बनाए, आराधना के गाइड किया सारी पिक्चरों के, यू सेड फॉर ऑल मूवीज ही हैज मेड द सॉन्ग्स, व्हाट एग्जैक्टली वाज हिज रोल देयर अमंगस्ट आर डी बर्मन एंड मनोहरी किरसी एंड मावतीरा खीर एंड आप लोग भी थे, उनका रोल कैसे था, क्या है, कैन यू डिफाइन दैट प्लीज? एक्चुअली बोलना जाओ तो वो कैप्टन ऑफ द शिप थे, वो जो बोलते थे, फिर उनके साथ तीन असिस्टेंट उनके, मनोहरी सिंह जी, वासुदेव चक्रवर्ती एंड मारुती राव जी, हाँ जी, रिदम सेक्शन, एक स्ट्रिंग सेक्शन, एक विंड सेक्शन, ये तीन, फिर हम लोग मैंने आते थे उसमें, भूपेंद्र सिंह जी का भी बहुत सारा हाथ था, हाँ जी, भानु गुप्ता था, मैं, डेविचंद, रंजीत गाजवेर, हाँ, अमृत राव काटकर, और एक ग्रुप बन के काम होता था, मगर कैप्टन ऑफ द शिप वॉज एस राइट फ्रॉम 63 to 75, अच्छा, एंड देन आर डी वॉज इज असिस्टेंट एंड अदर थ्री असिस्टेंट वर देयर एंड सजेशन ऑल दैट वी टेक फ्रॉम यू यूज्ड टू टेक सजेशन समटाइम्स, चलो ठीक है ये ले लेते हैं, और कभी ना तो और भी जाते थे, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, अच्छा, ऐसा भी था, कभी कभी सजेशन ले लेते थे, पिताजी ऐसा करते, पिताजी अरे तुम लोग खाली मिली टर्न करते हो, कभी ले लेते थे, कभी बोलता नहीं उसको ऐसा घुमाते ऐसा करते, मैंने जस्ट एक फैमिली जैसे कंपोज करने का उनका था ना, फैमिली के साथ लेके कंपोज करते थे। अच्छा अच्छा, पिक्चर साइन करने में सब पिक्चर एक्सेप्ट करते थे कि नहीं, वो पहले स्टोरी सुनते थे, स्टोरी सुनते थे, प्रोड्यूसर आते थे, स्टोरी सुनते थे, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन माने म्यूजिक माने एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, और फिर स्टोरी सुनने के बाद इनको अगर पसंद आ गया तो वो साइन कर लेते थे, मोस्टली उनका गुरुदत्त जी थे, माने विजय आनंद जी थे, देवादेव साहब थे, माने सब सब सीनियर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर आते, एक दो पिक्चर ऐसा आया तो उन्होंने स्टोरी सुन के उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला कोई दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर ले लो, मेरे से अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे पास एक हंसमुख के एक अच्छा सा सब्जेक्ट दो, फोक सब्जेक्ट दो, नहीं तो कोई मैंने रोमांटिक से गाना दो, ये दो फोक गाना वगैरह, फोक, अच्छा, तो ही वॉज शूटिंग पिक्चर था उसको, ही वॉज शूटिंग द पिक्चर, पिक्चर के लिए ना भी बोलते थे वो कि नहीं लेना है, स्टोरी के बाद में, स्टोरी के बाद में स्टोरी सुन लेते थे, बाद में उनको पसंद आया तो हाँ, पिक्चर का सिचुएशन सुनते थे, गाने का सिचुएशन सुनते थे, को कैसा टाइप का गाना होना चाहिए, किधर आएगा गाना, अच्छा, वो सब सुनेंगे, सब सुनेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे लेना है कि नहीं, एक दो पिक्चर वो छोड़ भी देते थे ऐसा, अच्छा, नहीं बाबा मेरे से नहीं होने वाले, आप दूसरे से, अच्छा, होने वाले नहीं, मैं कर सकता हूँ, मेरे से बेटर कोई दूसरा, अच्छा अच्छा, अभी हम लोग बात करेंगे मिसेज होमी मुला की, मिट्टू जी, इनका नाम मिट्टू है, और जैसे मिट्टू मीठा होता है, ये भी बहुत मीठी है, मिट्टू जी आप क्या कहेंगे इनके बारे में, ये तो म्यूजिक करते थे, तो बहुत फैमिली से दूर रहते थे, तो आपका रिएक्शन क्या था, व्हाट डू यू स्पीक अबाउट हिम, प्लीज टेल अस। He was busy with his work, and I was busy with my children, because early morning he used to leave the house, come in late in the night, so full thing was on me. Achha, achha. 13th of November. Children's education and schooling and everything, he never used to come in the picture. Did you meet S.D. Burman yourself? Yes, yes. You did meet. Can you tell us about your meeting with him? Meet means he had taken me, I went for his blessings, that's all. I see. I mean nothing much. Did you meet Meera Devi also? Yes. Phir kya hua? Kuch Meera Devi ne kaha aapse? She offered me some sweets, Bengali sweets. Ajha. And I said no, and she said no, you have to eat and go, because this is a traditional way, like, Ajha. Because I went first. शगुन शगुन अच्छा शगुन बोला था अच्छा अच्छा थैंक यू सो मच मिट्टू जी सो टुडे इज 13th ऑफ नवंबर एंड वी आर सिटिंग इन हाउस ऑफ मिस्टर होमी मुला
He is very handsome now. He must have been a killer in those days, I am sure. All with beard. Thank you. Bye.